अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं voicepk.net और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। आज हमारे साथ सरदार राम सिंह मौजूद हैं। आपका ताल्लुक सिंध के ज़िला शिकारपुर से है और आप एक तंजीम सिख सेवा सोसाइटी के फाउंडर हैं, लेकिन आज आपको बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि लॉकडाउन के दौरान सरदार राम साहब ने जो एक नई मिसाल कायम की है मजहबी हमांगी की और बिला रंग तफरीके मज़हब और नसल उन्होंने मदद की लोगों की, ताकि वो उस मुश्किल हालात में उनके अंदर एक उम्मीद पैदा की जा सके कि उनको वो नाउम्मीदी की कैफियत में ना जा सकें। तो सरदार साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा आप हमें बता दें कि ये सारा किस तरह से आपको ख्याल आया लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने का, और वो भी बगैर किसी तफरीक के। थैंक यू, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ये हमारी एक तंजीम है, सिख सेवा सोसाइटी पाकिस्तान, उसका मैं फाउंडर हूँ। तो हमारे साथ मिलके कुछ और जो हमारे मुसलमान भाई मेरे दोस्त थे, उन्होंने और हमने मिलके साथ ये एक काम किया, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा था। तो रमज़ान शरीफ के स्टार्टिंग में हमने ये जो राशन बैग है वो हमने जो है कि बांटना मुनासिब समझा, तो वो हमने शुरुआत की। सबसे पहले जब ये कोरोना की वबा शुरुआत हुई पाकिस्तान में, तो फर्स्ट तो हमने शुरुआत की थी 5,000 हमने सैनिटाइज़र बॉटल्स और 3,000 मास्क हमने बांटे थे। उसके अलावा आगे फिर चल के ये लॉकडाउन बढ़ता गया, तो उसके आगे फिर रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ में मेरे कुछ दोस्त मुसलमान, उन्होंने और हमने मिलके ये जो है कि ये आगे फिर ये हमने सेवा शुरू की, और जिसमें ये आगे हम कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि आपके मुसलमान दोस्तों ने आपकी मदद की, तो इस सारे उसमें आपको कहीं ये नहीं महसूस हुआ कि मतलब कि पहले आपको अपनी सिख बिरादरी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की हेल्प करने के लिए तो बहुत सारी तंजीमें पहले से मौजूद होती थी, तो ये आपने मतलब आपने क्यों ये सोचा कि मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया जा सके? हमने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हमने सिखों को और जो हमारे मसीह भाई हैं उनको, जो हमारे कम तबके वाले जो मजदूर पेशा वाले लोग हैं उनको भी हमने दिया है राशन, जितना हम कर सके हैं। तो हमारी तंजीम ने ये मिलके हमने ये फैसला किया कि जो मुस्तहिक है, जो इस चीज़ के लायक है, उसका मजहब रंगो नस्ल क्या है हमें उससे ताल्लुक नहीं है। जो मुस्तहिक है, जो गरीब है, जो जिसकी हम मदद कर सकते, हमने वो उनकी मदद हमने की है अपने प्लेटफॉर्म से। अब आपके साथ कितने लोगों की टीम मौजूद है और आपका क्या तरीकेकार है फंडिंग वगैरह का, डोनेशन वगैरह का? हम तकरीबन 12 लोग हैं, तो हम आपस में ही चंदा करके, आपस में ही कुछ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके वो निकाल के, तो उससे हम राशन खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर हम बांटते हैं। हमें किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए और ना हमने किसी से कभी हेल्प मांगी। हम अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, सब मिलके, हम अपने जो क्लास फेलो मेरे फ्रेंड्स हैं वो हम इकट्ठे मिलके ये काम चला रहे हैं। आप बुनियादी तौर पे एक ऐसी तंजीम से मुंसलिक थे या उसके फाउंडर थे जो कि बेसिकली सिखों की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान में काम करती थी, तो वो क्या आपका एक शिफ्ट आया आपकी सोच में कि आपने सोचा कि नहीं, अब कोरोना वायरस आया है तो अब मुझे इसके लिए किसी एक खास बिरादरी या कौम के लिए काम नहीं करना, बल्कि अब मुझे एक इंसान सोच पैदा हो गया आपके अंदर? नहीं, ऐसी नहीं है। सिख कम्युनिटी जो है, फर्स्ट जो है हमारे रिलीजन में बाबा गुरु नानक ने ये मैसेज दिया है, अवल ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। मेरी जो पाकिस्तान सिख सेवा सोसाइटी तंजीम है वो कोई एक मजहब, एक मुसलक या एक अकीदे के लिए बुनियाद पे नहीं है। हम पूरी जो है कि ह्यूमन राइट्स, जैसे आप देख रहे हैं इंसानी हकूक की जो बात करते हैं, तो सिख कम्युनिटी जो है, आम जो लोग हैं सब में, हमारे सिख कम्युनिटी में मजहब को नहीं देखा जाता, इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और इंसानियत की खिदमत की जाती है। इसी तरह हमारे गुरुद्वारों में लंगर चलता है, 24 घंटे लंगर चलता है, वहाँ पे नहीं पूछा जाता आपको कि आपका मजहब क्या है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप आएँ उधर लंगर छकें और आप वहाँ से गुरु घर से खुशियाँ प्राप्त करें। तो ये हमारी जो तंजीम है, जो हमारी सिख कम्युनिटी है पूरी दुनिया में रहती है, तो वो इस मजहब के चक्कर में या इस मजहब के उस दायरे में नहीं आती है, इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। तो मजहब हर किसी का अपना अपना है, पर इंसानियत जो है वो सबकी एक ही है।
थोड़ा सा ये बताएं कि जब आपने ये काम आप शुरू किया है तो यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनका आपके साथ अब किस तरह का वो क्या कितना उन्होंने आपके साथ ताउन किया है, जो खास तौर पे यहाँ पे मुसलमान बिजनेसमैन हैं और जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस मिला है आपको? नहीं, हम किसी के पास गए तो नहीं है, बाकी अलबत्ता जो जिन जिन को हमने राशन दिया है वो हमें दुआएं दे रहे हैं, वो हमारे से खुश हैं, तो हमें यही चाहिए, उन गरीब लोगों की हमें दुआएं चाहिए, बाकी हमने किसी से कुछ मांगा भी नहीं है, ना हम किसी के पास कहीं भी गए भी हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपनी जो संगत है हमारी जो बिरादरी है वो इकट्ठे करके उनको दे रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे लोग कर रहे हैं, तो सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो हम अपने फ्रेंड्स और मिलके एक अच्छा काम, ये इसकी बुनियाद हमने डाली है। पहले आपने हैंड सैनिटाइजर और मास्क वगैरह तकसीम किए, उसके बाद आपने राशन तकसीम किया, तो थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये अब तक आप कितने लोगों को राशन दे चुके हैं और किस बैकग्राउंड के लोगों के साथ आपको ज़्यादा राशन दे रहे हैं? नहीं, हम फर्स्ट हमने स्टार्ट किया जब रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा था, तो ये बाबरकतों का महीना जैसे स्टार्ट हुआ है, हमने 100 बैग हमने बना के ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, फिर हमारे कुछ दोस्तों ने जो मुसलमान मेरे भाई हैं दोस्त हैं उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अभी ईद आ रही है, कि ईद पे लॉकडाउन बढ़ गया था, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल जो काफ़ी मुश्किल में हमारे लोग थे, तो उन्होंने फिर मेरे दोस्तों ने ये डिसीशन लिया कि हमने मिल के कि अभी ईद आ रही है, ईद की जो है कि जो मुस्तहक लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, तो उनकी मदद की जाए, तो फिर हमने 100 बैग्स राशन के हमने जो है कि दोबारा ईद से 2 दिन पहले बना के ईद से पहले पहले हमने वो बांट दिए, और जो देख रहे थे हम हमारे दोस्त, हमने लिस्ट बनाई थी, हमारे दोस्तों ने ये वाच किया था कि जिनके घर में जो वाकई में ही जो ज़रूरतमंद है, हमने उनको जो है कि दरवाजे पे जो राशन रख के हमें उनकी ना हमने फ़ोटो निकाली है, ना हमें ये फ़ोटो चाहिए, ना कुछ चाहिए, हम वहाँ पर रख के तो हम फिर उनको दरवाज़ा खटखटाते थे रात को कि भाई ये आपके लिए कोई रख के गया है तो आप ये ले लें, तो हम वहाँ से चले जाते थे, तो हमारी ये टीम मिलके ये जो है ना इन्होंने काम किया है। शिकारपुर में जो है क्या मजहबी हमहंगी रवादारी का क्या वहाँ पे सिलसिला चलता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ मजाहब के लोग रहते हैं? शिकारपुर तो सदियों से अमन का गहवारा रहा है और ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पे काम कर रही है, और ये यहाँ पे इंटरफेथ हार्मोनी की बड़ी एक मिसाल है शिकारपुर में, जब हमारी ईद होती है, हमारी दिवाली होती है, हमारा कोई फेस्टिवल होता है, तो हमारे मुसलमान भाई उसमें शरीक होते हैं, और उसके बाद जब कोई ईद होती है मुसलमान हमारे भाइयों की, तो हम उनके पास चले जाते हैं, ये सेलिब्रेशन करते हैं, जब मुहर्रम आता है तो हम भी वो गम और वो शहादत के दिन आते हैं, तो हम भी वो दुख उसमें शरीक होते हैं और सबीले पानी की लगाते हैं, तो ये यहाँ पे शिकारपुर में तो इंटरफेथ हारमोनी और ये चीज़ें आम हैं, तो ये शिकारपुर पीसफुल एक शहर है, तो बाकी कुछ होंगे जो ऐसे लोग हैं, काफ़ी पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं, तो अदरवाइज शिकारपुर के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अमन और शांति है, और यहाँ पे हम अच्छे पीसफुल माहौल में रहते हैं। तो अब आपने जिस तरह से ये काम अब शुरू किया है तो आपका इसको आगे एक्सपेंड करने का क्या इरादा है कि अब इसको आगे किस तरह लेके चलने हैं, आपके मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? आगे जैसे अभी जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लॉकडाउन में अभी उन्होंने नरमी की हुई है, हम फिर भी देख रहे हैं हमारे जो दोस्त हैं, तो हम कुछ ना कुछ इकट्ठे करके जो है कि उसमें आगे भी अपना हिस्सा डालेंगे खिदमात में, और नेक्स्ट हमने ये स्टेप लिया है कि 200 हमने PPEs किट जो हमने मंगाई है कोरोना से बचाव के लिए, वो हम जो है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 100 किट्स हम उनको देंगे, डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर के हवाले करेंगे, और 100 किट्स हम जो है कि जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं जिसमें आर्मी है, पुलिस है, और इदारे हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हम 100 किट्स जो हैं कि उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, आगे हमारा ये प्लान है। आपका आखिर में कोई पैगाम, कोई मैसेज हो लोगों के लिए, पाकिस्तान के जो देख रहे हैं और इस सारी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? मेरा एक ही पैगाम है सबके लिए कि इस कोरोना की मुश्किल घड़ी में हम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हम मुत्तहिद होंगे और एहतियात करेंगे, एहतियात करेंगे, एहतियात से ही हम इस कोरोना को यहाँ से इस हमारे पाक वतन से भगा सकते हैं, इसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को इस वबा से एहतियात से हम अपने
अब सेफ करके इस बीमारी को जो है कि हम शिकस्त दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया राम साहब आपका सब बात की, और आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जो आप काम कर रहे हैं।